कौन लोग इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर, जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है, क्या मामला था, किस मामले में मारी गई है? अभी तक के अनुसंधान में यह मामला पुरानी रंजिश जमीनी विवाद से संबंधित निकल कर आ रहा है, परंतु आगे और भी कुछ कारण निकल के आ सकते हैं अनुसंधान के क्रम में। जैसे कारण आएंगे वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। गोल लगत नहीं समाचार बटू एक चौगाई से बड़ा खबर आ रहा बटू है। ओझा बराव में होली के दिन गोड़ लाग के गोली ठोके के मामला में कोर्ट से वारंट भइल जारी। जल्द ही होई कुर्की के कार्रवाई, जल्दी चली बुलडोजर। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। एगो आरोपी गिरफ्तार भइल बड़े, एएसपी प्रेस वार्ता कइले बानी, खबर का बा विस्तार से जानी। अपराधी कतनो बड़ होखस पुलिस अगर चाह दी तो उनकर रति रति कबारी के धो दी। जी हाँ, ऐसने मामला आइल बटुए होली के सांझी खा एगो जमीन के टुकड़ा के लेके मुरार थाना स्थित ओझा भराव में खून के होली खेलल गई रहे। हथियार से लैस अपराधी दरवाजा पे बैठल होली मिलन कर रहल ठाकुर यादव आ इनकर भतीजा के गोली ठोक दिहल रहे लोग। मौका पे ही ठाकुर यादव के जान चल गिल रहे। घटना के बाद घाव में भारी तनाव रहे, लेकिन पुलिस मामला के मुख्य आरोपी के गिरफ्तार करके अभी तक जेल नइखे भेज पाई। साथे साथ पुलिस के कहना बा कि अन्य आरोपी के गिरफ्तारी खातिर लगातार छापेमारी कइल जाता। मिलल जानकारी के अनुसार अभियुक्त प्रकाश कुमार पिता मुन्ना यादव ओझा बराव के रहे वाला हो। घटना के दिन से ही सब लोग इनका घर के फरार चल रहा बा। गुप्त सूचना पे इनका के गिरफ्तार कइल बटुए मंगर के डुमराव थाना में एसपी श्रीराज प्रेस वार्ता आयोजित करके बतैनी कि गिरफ्तार प्रकाश यादव अन्य अपराधी के साथ मिलके होली के साझी खा दरवाजा पे बैठल ठाकुर यादव इनकर भतीजा बाउल यादव के लड़का राहुल सिंह के गोली ठोकले रहन जवना में इनकर मौत हो गई रहे, जबकि राहुल जख्मी बाणे। बाउल यादव के बयान पर 9 लोग के खिलाफ FIR दर्ज करावल गई रहे। एएसपी कहनी कि पुलिस ये घटना के चुनौती के रूप में ले ले बिया। अन्य आरोपी के गिरफ्तारी खातिर लगातार छापेमारी कइल जाता, उम्मीद बाकी जल्द ही गिरफ्तार कर लिहल जाए। जवन जानकारी मिल रहा बा कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गई बटुए। साथे साथ लगभग 15 दिन के बाद अगर ये लोग कोर्ट में या पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं खेलो करत तो पुलिस ईट से ईट बजाई। 8 मार्च को शाम 6:30 बजे के करीब मुरार थाना अंतर्गत ओझा बराव गाँव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनका जिनका नाम ठाकुर सिंह है और उनका बेटा राहुल कुमार वो भी गोली में जख्मी हो गए थे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी संबंध में प्राथमिकी अभियुक्त प्रकाश कुमार पिता मुन्ना यादव उर्फ जयप्रकाश यादव को जो कि ओझा बराव गाँव के ही रहने वाले हैं उनको 13 तारीख को थानाध्यक्ष मुरार के द्वारा और DIU डुमराव टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या है? जी, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर, जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है, क्या मामला था, किस मामले में मारी गई है? अभी तक के अनुसंधान में यह मामला पुरानी रंजिश जमीनी विवाद से संबंधित निकल कर आ रहा है, परंतु आगे और भी कुछ कारण निकल के आ सकते हैं अनुसंधान के क्रम में। जैसे कारण आएंगे वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। लगातार जमीन विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो क्या तैयारियां कर रही है? जी, जमीन विवाद आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। इस संबंध में थाना स्तर पे शनिवार को लोगों से भी अनुरोध है कि जब भी आपको जमीन विवाद रहे थाना स्तर पे शनिवार को अंचल अंचलाधिकारी रहते हैं, थाना अध्यक्ष रहते हैं, इनकी संयुक्त शिविर लगता है, उसमें आए, अपनी समस्याओं को रखें और तुरंत कार्रवाई अपने ऊपर न करते हुए प्रशासन को सूचित करें। प्रशासन इन मामलों को देख रही है और ये हर सप्ताह शनिवार को थाना में मीटिंग करना है। 15 दिन पर अनुमंडल स्तर पे SDO और SDPO करते हैं, सारे केसेस की मॉनिटरिंग होती है। लोगों से भी अनुरोध है थोड़ा संयम बरतें और अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने में रखें। हम लोग तत्पर हैं उनकी समस्याओं का समाधान।